दिन के समय नावें तट से लगी रहती हैं, लेकिन रात के अंधेरे में पानी में उतार दी जाती हैं। रेत माफिया के लोग नदी के तल से रेत का अवैध खनन करते हैं। उसी के डर से वो मैं नहीं आता हूँ। एक दो बार आया था इधर, आया कि मेरे अंग पर आया मारने को, तो मैं डर से भाग गया, तो अभी तक नहीं आया। लेकिन कभी आता है, रात को देखता है, जाता है। बोलने को क्या फायदा होता है अकेला। देव बाबू महालय यहाँ उत्तरी गोवा के उगवायम गांव के पास पिछले 40 साल से खेती कर रहे हैं। वो हमें वो जगह दिखा रहे हैं जहाँ पहले कभी उनका नारियल के पेड़ों का बड़ा सा खेत था। धीरे धीरे एक एक कर सारे पेड़ पिछले एक दशक में बह गए। उसके बाद रेत की खुदाई शुरू हो गई। खनन से ये जमीन बर्बाद हो चुकी है। मैं गर्मियों में यहाँ मूंगफली उगाता था और मानसून में थोड़ा बहुत धान। मेरे केले और नारियल के पेड़ भी खराब हो गए। नुकसान किसी ने, सरकार ने आपका साथ दिया? सरकार ने कहा नहीं, कुछ नहीं बोला। कौन कौन आते हैं दिखाते हैं, मैं तो आज ही आ गया। मैंने, मेरा मन भी नहीं है आने को इधर। ये लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं, जाते हैं, क्या फ़ायदा होता है? मैं तो किसी का काम करेगा तो पैसा मिलेगा, वो यहाँ से आश्वासन के बाद क्या होगा? मेरा पुट भरेगा, भूल भरेगा, क्या नहीं मिलेगा। इस तरह के और भी बहुत से किसान हैं जिनके नदी के पास छोटे छोटे बागान और खेत थे। जो हो रहा है वो बस उसे देखते रहने को मजबूर हैं। उगुए गांव के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी विनायक महाले कहते हैं कि इस नदी पर कभी भी दोबारा तबाही आ सकती है। उन्हें लगता है कि तेरेक नदी पर बना रेलवे पुल ढह सकता है, क्योंकि नींव को संभाल रहे नदी तल पर गहरे गड्ढे हो चुके हैं। रेलवे पुल के आसपास करीब 300 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के निर्माण या खनन की इजाजत नहीं है। इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट आदेश हैं। कारण जो ब्रिज है तो नेशनल। लेकिन अब अगर हम वो इलाका जाकर देखें जहां पुल के खंभे लगे हैं, तो वो अंधाधुंध खनन की वजह से काफी धंस चुका है। कारण अमर्याद रेती काटने चालू है। ये सब कुछ हो रहा है भारत की सबसे संपन्न जगहों में से एक गोवा में। यहाँ की धूप, रेत और आध्यात्म लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। ये सैलानियों का पसंदीदा ठिकाना है। भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा ने हाउसिंग, होटल, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत प्रगति की है। सीमेंट और कंक्रीट बनाने के लिए रेत की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस सुंदर राज्य को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। ये इलाका यूनेस्को की सूची में जैव विविधता के सबसे बड़े ठिकानों में से एक पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ये घाट समूचे भारतीय प्रायद्वीप के मौसम और उसके पैटर्न्स को तय करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। पर्यावरणविद कहते हैं कि रेत खनन ने इस नाजुक जैव विविधता को प्रभावित किया है। जब आप हद से ज्यादा रेत खनन करते हैं तो नदी का स्वरूप बदल जाता है, उसकी धारा चौड़ी हो जाती है और वो नुकसान करती है, प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। हम लोग इसकी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। जैव विविधता में बदलाव, घनत्व में बदलाव, प्रजातियों की मौजूदगी में बदलाव, ये सब बड़ा नुकसान है। इसके लिए कौन जवाबदेह है, ये जानने के लिए हम 2023 में गोवा के पर्यावरण मंत्री नीलेश कबराल से मिले। आपके राज्य में अंधाधुंध अवैध रेत खनन को लेकर आप क्या कहेंगे? रेत खनन तो काफी सालों से होता आ रहा है, नियम कायदे अब आए हैं, इसलिए अब इसे अवैध कहा जाता है। गोवा में बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं, मांग बढ़ गई है तो खनन भी ज्यादा होगा, काम तो रोका नहीं जा सकता। मकान बन रहे हैं, आम लोग भी ऐसा कर रहे हैं और बड़े लोग भी। बड़े लोगों का ठीक है, क्योंकि वो क्रश इस्तेमाल करते हैं और RMC कंक्रीट ला रहे हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ता। असर पड़ता है आम लोगों पर। RMC कंक्रीट खरीदना जिनके बस की बात नहीं है, उसकी कीमत 45,000 रुपए घन मीटर है, जबकि सामान्य निर्माण में 6,000 रुपए घन मीटर की लागत आती है, तो फिर वो नदी से रेत निकालते हैं।
खरीद पानी की क्षमता एक तर्क है, लेकिन रेत से निर्माण का कोई विकल्प तो होना चाहिए। हम गोवा में एक निर्माण स्थल पर पहुंचे। मैम टेल मी मोर, इस मकान के बारे में कुछ बताइए, आपने इसका डिजाइन कैसे तैयार किया, कौन सा मटेरियल लगाया? सो बेसिकली ऑल द मटेरियल, यहाँ इस्तेमाल होने वाली सारी सामग्री स्थानीय है। इलाके में लेटराइटिक मिट्टी की बहुतायत है, थोड़ी मात्रा में लेटराइट का चूरा और लेटराइट पत्थर भी मिलता है, यानी जो भी आसपास से मिला या यहीं साइट पर मिल गया। तो इस मकान में आप देखेंगी कि मुख्य सामग्री के रूप में सीमेंट, कंक्रीट, आरसीसी का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो बहुत से विकल्प हमारे आसपास मौजूद हैं। लेकिन रेत पर निर्भरता नहीं रुकेगी जब तक निर्माण का तरीका नहीं बदलता, इसके लिए बड़ा नजरिया चाहिए। गोवा के मशहूर आर्किटेक्ट डीन डी क्रूज पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार आर्किटेक्चर की वकालत करते हैं। वो इस्तेमाल सामग्रियों के दोबारा इस्तेमाल पर जोर देते हैं। ये एक टेट्रापैक शीट है, इसे बारीक काटा गया, कार्टन है और प्लास्टिक, कागज और फॉयल को कंप्रेस कर दिया गया है। बड़ी अच्छी चीज है, इंसुलेशन बड़ा सस्ता है। ये एक मिसाल है जिसमें आप कचरे का उपयोग कर सकते हैं। वैकल्पिक सामग्रियां भी समाधान का हिस्सा हो सकती हैं। कुछ मटेरियल औद्योगिक स्तर पर पहुंच रहे हैं, जैसे कि राख, रेत भी उसी स्तर पर जा रही है। चीजें चल रही हैं, लेकिन रफ्तार उतनी नहीं है कि निर्माण की जरूरत को देखते हुए उनकी सप्लाई बनाई रखी जा सके। वो बड़े पैमाने पर हाउसिंग और निर्माण के लिए नए तरीकों के इस्तेमाल पर जोर देते हैं। जैसे कि मॉल स्कूलों और अस्पतालों में तब्दील हो रहे हैं, क्योंकि लोग ऑनलाइन खरीदारी करने लगे हैं। इसलिए आपको इमारतों को नए इस्तेमाल के लिए ढालना होगा, ना तो ये रिसाइकलिंग है और ना ही अनबिल्डिंग। डीन डी क्रूज चाहते हैं कि नई इमारतों के खरीदार भी इस बारे में फिर से सोचें। इन तमाम समाधानों को अमल में लाने की इच्छा शक्ति चाहिए। देव बाबू महाले और उनके साथी किसानों के लिए हर चीज इस बात पर निर्भर है कि रेत खनन जारी रहता है या नहीं। उनकी रोजी रोटी और अस्तित्व दांव पर लगा है।